नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा अकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलवे का नया नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, जो जिसमें यह अपडेट किया गया है कि कब से आप ग्रुप डी के एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और कब से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और कब तक चलेंगे, और यहाँ पर आप कब किस टाइप का प्रश्न आएगा, कितना सिलेबस, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, को ये नोटिफिकेशन जो है 6/9/2018 को जारी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर साफ किया गया है जो शेड्यूल है यहाँ पर कि दिस बेसिक कंप्यूटर टेस्ट या रिक्वायरमेंट लेवल वन यानी ग्रुप डी की पोस्ट पर पेपर है, जो कि स्टार्ट होगा 17/9/2018 को। ये जैसे ही 17/9/2018 को यह पेपर स्टार्ट होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिवेशन फॉर मॉक लिंक, यानी कि आप अपने कंप्यूटर पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। कब? 10/9/2018, यानी 10 तारीख से आप मॉक टेस्ट देकर आप जान सकते हैं कि परीक्षा किस प्रकार की होगी। तो आप आसानी से RRB की वेबसाइट पर जाएंगे और मॉक टेस्ट देकर जरूर देखें। एक्टिवेट हो जाएगा 10 तारीख को। इसके बाद दोस्तों, एग्ज़ाम सिटी के डेट शिफ्ट के बारे में आपको 9 तारीख से पता चलना, यानी कि आप 9 तारीख को जान सकते हैं कि आपका पेपर और किस डेट पे है और किस शहर में है। यह सब 9 तारीख से देख सकते हैं। इसके साथ ही आप 10 तारीख से देख सकते हैं कि जो कि आप SC ST वाले रहते हैं, उनके लिए रेलवे का फॉर्म मिलता है एक ट्रैवल करने के लिए। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वह फॉर्म भर के आप अपने जहाँ पर आपका एग्ज़ाम है वहाँ पर आप जा सकते हैं। इसके साथ ही जो कि एडमिट कार्ड रहता है, ये उसको आप 4 दिन पर अपनी परीक्षा के 4 दिन पहले से ही डाउनलोड कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। लेकिन आप यह 9 तारीख से यह देख सकते हैं कि आपका पेपर किस शहर में है और किस डेट में है। इसके साथ ही दोस्तों, कुछ सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं जो कि टाइम है प्रश्न का है 90 मिनट का होगा और 190 मिनट का होगा। जो 120 मिनट दें हैं यह विकलांग बालों को प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन सामान्य व्यक्तियों को ओनली 90 मिनट मिलेंगे एग्ज़ाम करने का। यह क्वेश्चन की संख्या है 100, यानी कि 100 प्रश्नों की संख्या रहेगी जो कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और दोस्तों, यह 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी, आपको यह आसानी से याद रखना है और आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप सही सही ही टिक लगाना कि अपने अंदाज से या फिर फालतू का मत लगाना ना, कि क्योंकि यह माइनस मार्क रहेंगी। यदि आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा, इसलिए आप जो आप पे सही बनता है आप उसको ही टिक करिएगा। दोस्तों, यहाँ पर रेलवे ने कंफर्म कर दिया है कि यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप ओरिजिनल ID प्रूफ लेकर ही जाएं, और कैंडिडेट विथ फोटो के या फोटो कॉपी ID प्रूफ विल नॉट अलाउ, यानी कि आप यदि फोटो कॉपी लेकर जाते हैं तो वह आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, इसलिए आप ओरिजिनल और आइडेंटिटी लेकर ही जाइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।